तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप लोगों के उर्दू फॉर बिगिनर यानी कि UFB का पार्ट 7 है, जिसमें मैं आप लोगों को 3 अक्षरों से मिलकर बने हिंदी के शब्दों को उर्दू में पढ़ना और लिखना बताऊंगी। देखिए, आप लोग पहले से ही हिंदी जानते हैं और जब आप लोग हिंदी से उर्दू पढ़ना और लिखना सीखेंगे ना तो आप लोगों के लिए आसानी होगी और आप लोग बहुत ही आसानी से बहुत जल्द उर्दू पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, तो यही वजह है, दिस इज़ द रीज़न आई एम टीचिंग यू उर्दू फ्रॉम हिंदी। यही कारण है जिसके वजह से मैं आप लोगों को हिंदी से उर्दू पढ़ना और लिखना सिखा रही हूँ, ताकि आप लोग बहुत ही जल्द और आसानी से सीख पाए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि UFB के पार्ट 6 वाले वीडियो में मैं आप लोगों को 2 अक्षरों से मिलकर बने हिंदी के शब्दों को उर्दू में लिखना और पढ़ना बताई थी और उसी वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को होमवर्क भी दी थी। होमवर्क क्या था, 10 वर्ड दी थी जो कि 2 अक्षरों से मिलकर बने वो हिंदी के वर्ड थे और उसको मैं यहाँ पर फिर से लिख दी हूँ। जिसको आप लोगों का होमवर्क ये था, उन 10 वर्ड को आप लोगों को उर्दू में ट्रांसलेट करना था, जो कि मैं उस वीडियो में आप लोगों को होमवर्क दी थी। अब मैं उन्हीं 10 वर्ड को फिर से यहाँ पर लिख दी हूँ और उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दी हूँ, यानी कि उर्दू में भी लिख दी हूँ। अगर आप लोग होमवर्क बनाए हैं अपना, यानी कि इन 10 वर्ड को आप लोग खुद से उर्दू में लिखे हैं, उर्दू में ट्रांसलेट किए हैं, तो आप लोग मिला लीजिए कि आप लोग का कितना सही है। कट है तो काफ से क और टे से त, कट छम है तो छ प्लस म छम, तट है तो ते से ट और टे से ट तो त प्लस ट तट। ठीक है, तो इस तरह मैं 10 वर्ड को उर्दू में ट्रांसलेट कर दी हूँ। आप लोग मिला लीजिए 10 में से कितना सही हुआ है। अब आगे बढ़िए, अब हम लोग समझते हैं 3 अक्षरों से मिलकर बने शब्दों को उर्दू में पढ़ना और लिखना। तो देखिए, सबसे पहला जो शब्द है यानी कि लफ्ज़ है वो है कलम। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात फिर से बता दूँ, हालांकि इसके पहले वाली वीडियो में बताई थी लेकिन फिर से बता दे रही हूँ कि हिंदी को हम लोग बाएँ से दाएँ की तरफ पढ़ते हैं और बाएँ से दाएँ की तरफ लिखते भी हैं, लेकिन उर्दू ठीक इसका उल्टा होता है। उर्दू में हम लोग दाएँ से बाएँ की तरफ लिखते भी हैं और दाएँ से बाएँ की तरफ पढ़ते भी हैं, तो ये याद रखिएगा। तो सबसे पहला लफ्ज़ है कलम। कलम में सबसे पहला अक्षर क्या है, क, और ये देखिए नॉर्मल क नहीं है, क के नीचे बिंदु है। देखिए, ये वाले क में और ये वाले क में अंतर होता है, इस क के नीचे बिंदु नहीं है लेकिन इस क के नीचे बिंदु है, तो इसको नॉर्मली हम क पढ़ते हैं लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं क। ठीक है, और इस वाले क को उर्दू में कहते हैं हम लोग काफ। ठीक है, काफ, जो कि इस तरह लिखा जाता है, देख रहे हैं, ऐसे लिखा जाता है ऐसे, और इस तरह एक डंडा खींच दिया जाता है, तो ये इसको, इस क को हम लोग उर्दू में काफ कहते हैं, जो कि इस तरह लिखा जाता है, और ये वाले क को, इसको क्या पढ़ते हैं, क, तो इस वाले क को उर्दू में कहते हैं काफ, इसको भी काफ़ी कहते हैं। देखिए, ये इस तरह लिखा जाता है, एक छोटा सा गोल बना देना है और आधा चांद की तरह बना देना है और ऊपर 2 बिंदु दे देना है, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग काफ और इसको पढ़ते हैं काफ। ठीक है, और इस काफ को हिंदी में कहते हैं क और इस काफ को उर्दू में कहते हैं क। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। तो इस तरह का अगर अक्षर आप लोग हिंदी में देखते हैं तो उसको उर्दू में इस तरह लिखेंगे, काफ यानी कि क, लेकिन इस तरह का क देखते हैं उर्दू में जिसमें नीचे बिंदु रहता है तो इसको उर्दू में लिखेंगे ये वाला काफ यानी कि क। तो यहाँ पर कौन सा क है, तो नीचे बिंदु वाला क है, तो इसके यहाँ पर कौन सा काफ यूज़ करेंगे, ये वाला कि ये वाला, नीचे बिंदु है तो आप ये वाला काफ यूज़ करेंगे यानी कि ये वाला क यूज़ करेंगे। तो अब इसको ले जाकर यहाँ पर लिखिए, ठीक है, एक मिनट अच्छा से बना दूँ। देखिए, ऐसे गोल कर देना है और फिर आधा चांद की तरह से बना देना है और ऊपर 2 बिंदु यानी कि नुक्ता बोला जाता है उर्दू में, नुक्ता दे देना है। ठीक है, तो ये हो गया काफ से क। अगला अक्षर क्या है, ल। एक मिनट, ज़रा मैं इसको मिटा दूँ। तो देखिए, अगला अक्षर है ल। ठीक है, तो ल को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं, याद है ना आप लोगों को, ल को उर्दू में लाम कहते हैं। लाम कैसे लिखा जाता है, देखिए, एकदम सीधा डंडा खींचा जाता है और इस तरह आधा चांद की तरह बना दिया जाता है, तो ये हो गया आप लोगों का लाम। तो काफ से क और लाम से ल। अगला अक्षर है मीम, सॉरी म। म को उर्दू में कहते हैं मीम। ठीक है, तो मीम कैसे लिखा जाता है, ऐसे एक बिंदु दे देना है आप लोगों को और इस तरह करके आप लोगों को मुड़कर ऐसे सीधा खींच देना है, तो ये हो गया आप लोगों का मीम। तो काफ से क, लाम से ल और मीम से म, ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो कलम बन जाएगा। अब देखिए मिलेंगे कैसे, ये जो काफ वाला क है इसका जो ये गोल वाला पार्ट है ना, सर्किल वाला, सिर्फ इतना ही उठेगा, ये जो चांद वाला पार्ट है ये कट जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये चांद वाला पार्ट जो है ना ये कट जाएगा, सिर्फ इतना ही पार्ट आप लोगों को उठाना है, तो उतना उठा लीजिए, इतना
ठीक है, देख रहे हैं ऊपर का इतना ही पार्ट उठाना है, देखिए इतना उठ गया और ऊपर दो ठो नुक्ता देना ज़रूरी है। ठीक, ये हो गया क। ठीक है, अब इसी में लाम जुड़ेगा यानी कि ल जुड़ेगा, तो इसको भी आप लोगों देखिए कौन सा पार्ट उठाना है। ये चांद वाला पार्ट नहीं उठाना है, सिर्फ ये जो डंटा सीधा डंटा वाला पार्ट है ना, इसको उठा लेना है, यहीं पर लाकर ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, बस इतना देख रहे हैं, बस इतना ही लाकर ऐसे इतना लाकर जोड़ देना है यहाँ पर। तो काफ में यानी कि कौ में ये लॉ भी जुड़ गया, अब मीम जुड़ना बाकी है। तो ये जो मीम है ना, यहीं पर आकर जुड़ जाएगा। देखिए ये वाला जो है ना, इस तरह आकर यहीं पर ऐसे होकर ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का काफ से क और लाम से ल और मीम से म, तीनों जुड़ गए। तो क प्लस ल प्लस म, कलम। ठीक है, देखिए कितना आसानी से लिखा गया। मैं फिर से आप लोगों को एक बार और लिखकर बता दे रही हूँ। देखिए काफ का सर्किल वाला मतलब भाग उठाना है, ये उठा लिए, ऊपर दो ठो बिंदु दे देना है यानी कि नुक्ता, और इस तरह लाम बना देना है और इसी में इस तरह मीम बना देना है। तो ये हो गया आप लोगों का कलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला शब्द है नरम। ठीक है, नरम में सबसे पहला अक्षर क्या है? न। न को उर्दू में क्या कहते हैं? तो नून कहते हैं। कैसे लिखा जाता है? बहुत ही आसान है लिखना। देखिए ऐसे आधा चांद बनाना है और बीच में बिंदु दे देना है, यही तो है नून, जिसको न बोला जाता है। ठीक है, तो ये नून से न हो गया। अगला अक्षर है र। ठीक है, तो र को उर्दू में क्या कहते हैं? र को उर्दू में कहते हैं रे, जो कि ऐसे लिखा जाता है, एक छोटा सा ऐसे सीधा डंडा खींच देना है और इस तरह कर देना है, हो गया सिंपल। तो ये हो गया रे से र। तो न से न और सॉरी नून से न और रे से र हो गया। अब लास्ट वर्ड क्या, लास्ट अक्षर म। म को उर्दू में क्या कहते हैं? मीम कहते हैं, अभी तो मैं आप लोगों को बताई, तो यही वाला मीम फिर से यहाँ पर बना देना है ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया नून से न, रे से र और मीम से म। अब ये तीनों जो है जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? अब देखिए ये जो नून है ना, नून ये पूरा आप लोगों को नहीं बनाना है। ठीक है, नून को ये जो ऐसे है ना, बस इसको आप लोगों को इतना काट देना है। ठीक है, इतना ही आप लोगों को उठाना है, ये जो ऊपर वाला भाग है ये काट देना है। जैसे कि नून इस तरह बनता है ना, ऐसे नून हो गया ना, तो इसको आप लोगों को ऊपर वाले भाग को ऐसे काट देना है, बस इतना ही उठाना है। तो यहाँ पर ऐसे कर लिए और ऊपर यहाँ पर एक ये जो नुक्ता है बिंदु वो देना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया नून से न। अब इसी में र जुड़ेगा यानी कि रे जुड़ेगा, तो ये वाला जो रे है ना, यहीं पर लाकर ऐसे जोड़ दिया जाता है। तो नून से न हो गया और इसी में रे जुड़ गया यानी कि र जुड़ गया। अब एक लास्ट जो है मीम जुड़ेगा, तो मीम तो उसी तरह का उसी तरह यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो नून से न और रे से र और मीम से म, ये तीनों जुड़ गए, न प्लस र प्लस म, नरम। ठीक है, बहुत ही आसान है। फिर से मैं आप लोगों को एक बार और लिखकर बता दे रही हूँ। देखिए ऐसे ये नू हो गया, नून, नून से ना और इसी में रे जोड़ देना है र, और इसी में यहाँ पर आप लोगों को मीम जुड़ जाएगा, तो नरम। सिंपल, आसान तो है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि ये जो मतलब लास्ट वाला जो अक्षर होता है ना, वो बिल्कुल मतलब उसको पूरा लिखा जाता है। देख रहे हैं इस वाले ये जो कलम है, कलम में देखिए काफ कट गया है, काफ का जो पूरा हिस्सा है वो कट गया है, लाम का भी हिस्सा कटा है, लेकिन लास्ट वाला जो अक्षर है मीम, वो बिल्कुल हूबहू पूरा पूरा का पूरा लिखाया है। बिल्कुल उसी तरह नरम में देखिए नून कटा है, रे कटा है, लेकिन लास्ट वाला जो अक्षर है मीम वो नहीं कटा है। लास्ट वाला जो अक्षर होता है ना, वो पूरा का पूरा लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। अगला अक्षर, अगला शब्द देखिए मक्खन। मक्खन में सबसे पहला अक्षर क्या है? तो वो है म। म को उर्दू में क्या कहते हैं? तो मीम कहते हैं। तो यही वाला मीम आप लोगों को फिर से लिख देना है। तो ये हो गया मीम से म प्लस। अगला अक्षर है ख। ख को उर्दू में क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस तरह के से क होता है और के में एच जुड़ जाता है यानी कि के एच से ख होता है, बिल्कुल उसी तरह उर्दू में काफ से क, और जब काफ में एच को उर्दू में कहते हैं हे, तो जब काफ में आप लोग ये वाला हे, देखिए उर्दू में जो है ना ये मतलब हे एच को यानी कि हे को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, दो तरह का एक मतलब हे होता है, एक इस तरह का हे होता है उर्दू में और एक इस तरह का हे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वाले हे का यूज़ हो रहा है। तो जिस तरह के से क और के में एच मिलाकर के एच से ख होता है, बिल्कुल उसी तरह काफ से क, उर्दू में काफ से क और काफ में जब एच जोड़ेंगे, यानी कि एच को उर्दू में क्या कहते हैं? हे कहते हैं। ये है एच,
इंग्लिश में और ये है एच उर्दू में, ठीक है। तो जिस तरह के से का के एच से का, बिल्कुल उसी तरह काफ से का और काफ में एच जोड़ देंगे, यानी कि काफ में हे जोड़ देंगे तो काफ में हे मिलाकर ख हो जाता है। देखिए और ये दोनों कैसे मिलेंगे, ये वाला जो भाग है ना, सिर्फ इतना आप लोगों को लिखना है, इस तरह ऐसे कर दिए और इसी में ये जो हे है ये तो हो गया आप लोगों का काफ यानी कि क, और इसी में आप लोग ये वाला जो हे है यानी कि एच है जोड़ देंगे तो ये हो गया आप लोगों का ख, यानी कि काफ से क और काफ में एच जोड़ दिए यानी कि काफ में हे जोड़ दिए तो काफ में हे मिलाकर क्या बन गया, ख, ठीक है। तो इस तरह जो है ख को लिखा जाता है। तो अब यही वाला ख जो है यहाँ पर लिखाएगा, चलिए मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का, यहाँ पर ख बना दीजिए, ठीक है, बन गया ख। तो यहाँ पर हो गया म प्लस ख। अब लास्ट अक्षर है न, न को उर्दू में क्या कहते हैं, तो नून कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी न आया था तो न को उर्दू में नून बोल रहे थे, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर न आ रहा है, न को उर्दू में नून कहते हैं। तो फिर से यहाँ पर नून बना दीजिए आधा चांद की तरह, बीच में बिंदु दे देना है, ठीक है। अब ये जो है म प्लस ख प्लस न, ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। अब जुड़ेंगे कैसे, देखिए ये जो मीम है ना म वाला, ये आप ये डंटा जो देख रहे हैं ना, ये सीधा डंटा आप लोगों को नहीं बनाना है, ये सिर्फ काट देना है, सिर्फ इतना ही वाला भाग आएगा, सिर्फ इतना ही वाला भाग आप लोगों को उठाना है। ध्यान से देखिए, सिर्फ इतना ही उठाइए आप लोग, ठीक है। तो इस तरह करके ऐसे उठा देंगे, देख रहे हैं, सिर्फ उतना ही पार्ट उठाना है, ये डंटा वाला पार्ट नहीं उठाना है, इतना ही भाग ले लिए। और उसके बाद इसी में ये जुड़ेगा, ख जुड़ेगा, और ख जो है ना देखिए इसी में ऐसे जोड़ देना है, ये जो डंटा वाला पार्ट है यहीं पर सीधा कर देना है, और ये जो ऊपर वाला है यहीं पर ऐसे कर देना है, और ये जो हे है इसको यहीं पर बना देना है। और देखिए मीम भी जुड़ गया, ख भी यानी कि म भी जुड़ गया और ख भी जुड़ गया, और इसी में यही वाला जो नू है वो जुड़ जाएगा। तो देखिए म प्लस ये हो गया ख और प्लस न, तो मक्खन बन गया मक्खन, ठीक है। देखिए कितना आसान है, म प्लस ख प्लस न, देख रहे हैं इसमें भी लास्ट में जो नून है वो बिल्कुल पूरा का पूरा लिखा है, लास्ट वाला जो अक्षर है वो पूरा का पूरा लिखाता है, भले ही शुरू का जो है वो कट जाएगा। देखिए मीम कटा है, खे जो है वो भी, उसको भी मतलब बीच में लिखा गया है, लेकिन लास्ट वाला जो अक्षर है वो कटता नहीं है, लास्ट वाला पूरा का पूरा अक्षर लिखा जाता है। तो ये हो गया म प्लस ख प्लस न, मक्खन। अगला अक्षर देखिए, अगला शब्द देखिए चमन। चमन में सबसे पहला अक्षर क्या है, तो च है। च को उर्दू में क्या कहते हैं, तो च को उर्दू में चे कहते हैं। कैसे लिखा जाता है, तो देखिए ऐसे लिखा जाता है, सीधा खींचना है और फिर ऐसे आधा चांद की तरह बना देना है और तीन ठो बीच में बिंदु दे देना है। तो ये हो गया आप लोगों का च। एक मिनट, थोड़ा बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा लिखूँगी तो फिर इसका भी तो लिखना है ना, थोड़ा इसको ऊपर लिख देती हूँ। ये देखिए ये हो गया आप लोगों का चे से च। प्लस अगला अक्षर क्या है, माँ। माँ को उर्दू में मीम कहते हैं, आप लोग बार बार रिपीट हो रहा है तो समझ ही गए होंगे, याद भी हो गया होगा, माँ को उर्दू में मीम कहते हैं। तो फिर से यहाँ पर मीम बनाइए, तो ये हो गया आप लोगों का मीम से माँ। प्लस लास्ट अक्षर क्या है, न, यानी कि न को उर्दू में नून कहते हैं, तो फिर से यहाँ पर नून बना दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए चे से च, मीम से माँ और नू से न, च प्लस म प्लस न, ये तीनों एक साथ जुड़कर चमन बनाएंगे। अब जुड़ेंगे कैसे, देखिए जोड़ने में ही सारा फंडा है, जोड़ना कैसे है ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला ऊपर वाला पार्ट है ना, बस इतना ही लेना है, च का ये ऊपर वाला पार्ट बस इतना ही लेना है, ये जो चांद वाला पार्ट है ना इसको छोड़ देना है, ऊपर वाला पार्ट ऐसे लेना है। तो ऐसे ले लिए और नीचे जो है तीन ठो बिंदु देना ज़रूरी रहता है, तीन ठो बिंदु यानी कि नुक्ता दे दीजिए, और उसके बाद से ये जो मीम है ना, मीम का बस इतना ही लेना है, इतना वाला, ठीक है, ये डंटा वाला पार्ट नहीं लेना है, मीम का बस इतना ही भाग ले लेना है। तो यहीं पर जो है आप मीम ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ठीक है। देखिए इसमें च भी हो गया और म भी हो गया, यानी कि चे भी जुड़ गया और मीम भी जुड़ गया। अब लास्ट जोड़ना है नून यानी कि न, तो यहीं पर ऐसे नून जोड़ दीजिए। ये हो गया आप लोगों का च प्लस म प्लस न, चमन। देखिए कितना आसान है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को लिख कर बता दे रही हूँ। देखिए ऐसे जो है ना, ऐसे ये हो गया आप लोगों का च, और इसी में ऐसे मीम जोड़ देना है, ये हो गया आप लोगों का मीम, ये वाला सिर्फ इतना ही भाग उठाना है, और इसी में ये नून यानी कि न जोड़ देना है। तो च प्लस म प्लस न, चमन। कितना आसान, चलिए आगे बढ़िए। कबर,
अबर में देखिए कौन सा क है, ये वाला क है कि नीचे वाला बिंदु वाला क है, तो बिंदु वाला क है, तो कौन सा काफ यूज़ करेंगे, तो ये वाला काफ यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब ये वाला काफ लिखिए, ऐसे सीधा गोल तो करना है और फिर आधा चांद की तरह से बना देना है, हो गया। ये काफ से क प्लस ब है, अगला अक्षर क्या है, ब। ब को उर्दू में क्या कहते हैं, याद कीजिए, ब को उर्दू में कहते हैं बे। कैसे लिखा जाता है, तो देखिए ऐसे लिखा जाता है, ये हो गया आप लोगों का बे से ब प्लस। लास्ट अक्षर क्या है, र। र को उर्दू में क्या कहते हैं, र को उर्दू में कहते हैं रे। रे कैसे लिखा जाता है, ऐसे सीधा डंडा खींचना है और ऐसे कर देना है, तो ये हो गया आप लोगों का रे से र। तो क प्लस ब प्लस र, ये तीनों जुड़ जाएंगे और कबर बना देंगे। जोड़िए कैसे जुड़ेंगे, देखिए ये जो है इतना वाला भाग आप लोगों को उठाना है, काफ का बस इतना वाला भाग, ये चांद वाला पार्ट नहीं उठाना है, बस इतना भाग, गोल वाला भाग उठाना है, तो ऐसे उठा लिए, ठीक है, ऐसे। और ऊपर दो ठो बिंदु देना ज़रूरी होता है, दो ठो नुक्ता दे दिए, और उसके बाद से ये जो बे है ना, बस बे का इतना ही करना है, इतना ही उठाना है, इतना, देख रहे हैं, ये पूरा इतना काट देना है आप लोगों को, बस इतना ही भाग आप लोगों को उठाना है, तो इसी में ऐसे कर ऐसे कर दीजिए, हो गया, बस इतना ही भाग, तो इसमें जोड़ दिए और नीचे एक बिंदु दे दीजिए। बिंदु है ना नुक्ता, तो नुक्ता देना ज़रूरी होता है, नुक्ता तो देना भूलना ही नहीं आप लोगों को, यही जो है ना सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो ये नुक्ता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए ये हो गया आप लोगों का ब, काफ भी जुड़ गया और ब भी जुड़ गया, ठीक है, अब लास्ट जोड़ना है र यानी कि रे, तो यहीं पर जो है ये रे आकर ऐसे जुड़ जाएगा। तो देखिए काफ से क हो गया, बे से ब हो गया और रे से र हो गया। अबर फिर से एक बार मैं आप लोगों को बनाकर दिखा दे रही हूँ, देखिए काफ का सिर्फ सर्किल वाला भाग बना देना है, बना दिए, इसी में ये जो बे है सिर्फ इतना ही भाग लेना है आप लोगों को, ले लिए, नीचे नुक्ता दे दिए और फिर इसी में रे जोड़ दिए, तो कबर हो गया, सिंपल, बहुत ही आसान। आप लोग खुद से इसको लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना भी मैं आप लोगों को शब्दों को हिंदी के शब्दों को उर्दू में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, आप लोग खुद से भी लिखिएगा और अपने से जो है ना शब्द को क्रिएट कीजिएगा और खुद से लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इस तरह आप लोग बहुत जल्द उर्दू सीख पाएंगे। अब देखिए अगला जो लफ्ज़ है, अगला वर्ड वो है लहब। लहब में पहला अक्षर ल है, तो ल को उर्दू में कहते हैं लाम, तो लाम बना दीजिए ऐसे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आप लोग लाम बना चुके हैं, देखिए ऐसे लाम बना दिए, और उसके बाद से अगला अक्षर है ह। ह को उर्दू में कहते हैं हे, ठीक है, दो उर्दू में जो है ना दो हे होता है, एक ऐसे बन जाता है हे और एक ऐसे हे बनता है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये वाला हे यूज़ करना है, ठीक है, तो चलिए ये लाम से ला हो गया और ये वाले हे से, ये तो बहुत बनाना आसान है, ऐसे थोड़ा अंडाकार बना देना है, ठीक है, तो लाम से ला और हे से ह हो गया, प्लस ब है लास्ट अक्षर, तो ब को उर्दू में बे कहते हैं, तो बे यहाँ पर बना दीजिए, हो गया। अब ये तीनों जुड़ेंगे कैसे, अब देखिए ये जो डंटा वाला पार्ट है ना, बस इसको उठा लेना है आप लोगों को, ऐसे डंटा वाला पार्ट उठा लिए लाम का, और ये जो हे है, हे बस ये गोल नहीं बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर ये जो हे है इस तरह बन जाएगा, ऐसे बनता है, ये हे जो है ना कहीं भी जुड़ता है ना तो इसका रूप चेंज हो जाता है, ये अपना शक्ल बदल लेता है, ये गोल होने के बजाय गोल, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो हे है इसी तरह गोल जाकर इसमें जुड़ जाएगा, नहीं, ये अपना शक्ल चेंज कर लेता है और ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो ये जो लाम है, ये लाम का ये इतना पार्ट बना लेना है और इसी में ये वाला हे है, इसको अब ये अपना शक्ल चेंज कर ऐसे हो जाएगा, देख रहे हैं, यही वाला ऐसे बना देना है, ऐसे कर ऐसे, और नीचे इस तरह आप लोगों को दे देना है, ठीक है। तो लाम भी जुड़ गया यानी कि ल भी जुड़ गया और ये वाला ह भी जुड़ गया, ठीक है, ये वाले ह को मतलब कहीं जोड़ा जाता है तो ये इस तरह शक्ल बना लेता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ह भी जुड़ गया और उसके बाद से अब लास्ट ब जोड़ना है, तो ब जो है ना यहीं पर ऐसे, यही वाला ब जो है आकर ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए लाम से ल और इस हे से ह प्लस बे से ब, तो ल प्लस ह प्लस ब क्या हो गया, लहब। बहुत ही आसान, ठीक है, देखिए कितना आसानी से बन गया, एक बार फिर से मैं बना दे रही हूँ, बार बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, देखिए कितना आसान है, बस आप लोग बार बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का हाथ चलने लगेगा। जिस तरह आप लोग हिंदी को धीरे धीरे लिखकर प्रैक्टिस किए, इंग्लिश को धीरे धीरे बचपन में लिखकर प्रैक्टिस किए, ऐसे थोड़ा ना है कि आप बचपन में एकदम धड़ाधड़ हिंदी लिखना शुरू कर दिए थे या फिर इंग्लिश लिखना शुरू कर दिए, सीखे होंगे पहले, तो आप लोग यहाँ पर पहले सीखिए, बार बार लिखेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे, प्रैक्टिस मैटर्स मच।
प्रैक्टिस जो है बहुत मायने रखता है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस जो है करते रहिएगा लिखने का। तो ये हो गया आप लोगों का लहब। अगला है देखिए शहर। शहर में पहला अक्षर है श, श को उर्दू में कहते हैं शीन, ठीक है। तो शीन कैसे लिखा जाता है, ये वाला शीन देखिए, एक शीन, एक सीन जो है ऐसे होता है, ये वाले सीन से ये डंटी सा होता है, ठीक है। और ये वाला जो सीन होता है जिसमें तीन ठो ऊपर नुक्ता होता है, ये वाले शीन से ये तलाबे शाह होता है। तो यहाँ पर तलाबे शाह है ना, तो इसीलिए मैं ये वाला सीन यूज़ कर रही हूँ। अगर ये वाला सा रहता तो मैं ये वाला सीन यूज़ करती। तो यहाँ पर ये वाला सीन लिख दिए, ठीक है। एक मिनट इसको मिटा दूँ, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं आप लोग को फिर से बना कर दिखा दे रही हूँ। तीन ठो ऐसे करना है और उसके बाद से एक बड़ा सा ऐसे चांद बना दे रहे हैं ऊपर तीन ठो नुक्ता, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का शीन से श प्लस। अगला है ह। ह को उर्दू में हे कहते हैं, देखिए यहाँ पर तो इसके पहले ही आप लोग पढ़े थे, तो ह को उर्दू में इस तरह हे बना दिए, ठीक है। और लास्ट अक्षर है र। र को उर्दू में रे कहते हैं, तो ये हो गया आप लोगों का र, ठीक है। तो शीन से श और हे से ह और रे से र, ये तीनों जुड़ जाएंगे। देखिए जुड़ेंगे कैसे, ये जो तीन ठो कोनी वाला पार्ट है ना, बस इतना ही बनाना है। ये शीन का जो तीन ठो कोनी वाला पार्ट है बस इतना ही बनाना है। ये जो बड़ा वाला सर्किल वाला चांद वाला पार्ट है इसको नहीं बनाना है, बस ये तीन ठो नोकी आप बोल सकते हैं कोनी वाला पार्ट उठा लेना है। देखिए ऐसे उठा लिए, ठीक। और ऊपर तीन ठो ऐसे नुक्ता दे देना है जो कि तीन ठो नुक्ता है। और उसके बाद से मैं आप लोग को बताई थी ना, ये जो वाला हे जो है ये बिल्कुल गोल आकर नहीं जुड़ता है, ये अपना शकल चेंज कर लेता है, ऐसे शकल आ जाता है उसका, ठीक है। तो बस यही वाला शकल जो है यहीं पर लाकर ऐसे कर देना है। तो देखिए यही वाला शकल जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये हो गया आप लोगों का हे से ह, शीन से श और हे से ह जुड़ गया। अब लास्ट जो है र जोड़ देना है, तो यहीं पर जो है ऐसे र जुड़ जाएगा। तो शीन से स, हे से ह और रे से र, शहर। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए ये हो गया शीन से श और इसी में हे जोड़ना है। तो हे जो ये गोल वाला पार्ट बिल्कुल नहीं जोड़ा जाता है, ये अपना शकल ऐसे चेंज कर लेता है। तो ये हो गया हे से ह और प्लस इसी में रे ऐसे जोड़ दिया जाता है, तो शहर। अगला वर्ड है लकब। लकब में जो सबसे पहला अक्षर है वो है ल। ल को उर्दू में क्या कहते हैं, तो लाम कहते हैं। तो लाम यहाँ पर देखिए आप लोगों को बनाना आता है, ऐसे कर देंगे। ये हो गया आप लोगों का लाम, ठीक है। अब तो आप लोगों को फटाफट बनाना चाहिए क्योंकि अब आप लोगों को प्रैक्टिस हो गया होगा। दो अक्षर से बने शब्दों को आप लोग लिखकर प्रैक्टिस कर ही चुके हैं, तीन अक्षर से बने शब्दों को इतना आप लोग उर्दू में ट्रांसलेट कर ही दिए, अब आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाना चाहिए मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लाम से ल हो गया और अगला अक्षर क्या है, क। क कौन सा वाला क है, नीचे बिंदु वाला क है। तो इसको कौन सा काफ यूज़ करेंगे, ये वाला कि ये वाला, तो ये वाला काफ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आप लोगों का काफ से क प्लस ब है। ब को उर्दू में क्या कहते हैं, तो बे कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बे बना दीजिए। तो ये तीनों लाम से ल, काफ से क और बे से ब जुड़ जाएंगे। अब जुड़ेंगे कैसे, यहीं पर झोल झाल है जोड़ने में। तो देखिए बहुत आसान है, देखिए ये जो डंटा वाला पार्ट है बस इसको उठाना है। हमेशा जो है ना लाम का ये डंटा वाला पार्ट ही उठता है, अगर कहीं जोड़ना है ना तो ये सीधा वाला पार्ट उठता है। और काफ का ये चांद वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट उठता है हमेशा। देखिए कौन कौन सा पार्ट उठ जाता है, ये शीन का बस इतना ही पार्ट उठता है। इससे आप लोगों को मतलब ये बात माइंड में फिट भी हो गई होगी प्रैक्टिस होते होते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लाम का ये डंटा वाला पार्ट उठा लेना है, तो उठा लिए, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों को उठाना है। तो ये देखिए उठा लिए, ये हो गया ल प्लस इसी में क जोड़ना है, ये वाला काफ। तो देखिए इतना ही पार्ट आप लोगों को बना देना है, इतना ही पार्ट। ये चांद वाला पार्ट जो है वो नहीं बनाना है, बस ये गोल वाला भाग बना देना है। तो ये देखिए ये गोल वाला भाग बन गया, ठीक है। दो ठो बिंदु ऊपर दे दिए, तो ये हो गया काफ से क। ल भी जुड़ गया, क भी जुड़ गया। अब लास्ट ब जोड़ना है यानी कि बे, तो यहीं पर जो है आप लोगों का बे जुड़ जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का लाम से ल, काफ से क और बे से ब, लकब। बहुत ही सिंपल। आगे बढ़िए खबर। खबर में सबसे पहला जो अक्षर है वो है ख। ख को उर्दू में क्या कहते हैं, तो खे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखिए खे, ऐसे बनता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप च बना, यहाँ पर चे बनाए थे, बिल्कुल उसी तरह ये भी बनेगा खे। बस ऊपर इसके बीच में तीन ठो बिंदु था ना, अब इसके इसके ऊपर एक बिंदु रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया खे, इसी तरह है खे बनता है। तो खे से ख हो गया। प्लस अगला अक्षर है बे, सॉरी ब। ब को उर्दू में कहते हैं बे, तो यहाँ पर बे बना दीजिए। तो खे से ख, बे से ब और लास्ट अक्षर क्या है, र। र को उर्दू में रे कहते हैं। तो अब फटाफट जोड़िए। देखिए
ये है ख का, जिस तरह आप लोग इस चे का इतना पार्ट उठाए थे, देख रहे हैं यहाँ पर चे का इतना ही पार्ट उठाए थे, बिल्कुल उसी तरह ख का भी जो है ना इस खे का इतना ही पार्ट उठाएंगे, इतना ही पार्ट, ठीक है। तो ये इतना पार्ट उठा लिए, ऊपर नुक्ता देना ज़रूरी होता है। तो ये हो गया आप लोगों का ख, प्लस इसी में ब जोड़ना है, तो ब जो है ना ब का इतना ही उठाएंगे, इतना ही भाग, ये जितना भी भाग है वो हट जाएगा, बस इतना ही भाग आप लोग को उठाना है, यहीं पर ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। देख रहे हैं सिर्फ इतना ही भाग जो है आप लोग उठाए हैं। तो ये हो गया ख, उसी में ब जुड़ गया, अब लास्ट में रे यानी कि र जोड़ देना है, तो ये लीजिए र जुड़ गया। तो खे से ख, बे से ब और रे से र, ख प्लस ब प्लस र, खबर। देखिए कितना आसान है। अब आप लोग आगे भी मेरे बनाने से पहले आप लोग खुद से कॉपी पर लिख कर प्रैक्टिस कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगर अगर में पहला अक्षर क्या है अ, अ को उर्दू में क्या कहते हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, अलिफ कहते हैं, अ को उर्दू में अलिफ। तो देखिए ये हो गया आप लोगों का अलिफ, प्लस ग, ग को उर्दू में क्या कहते हैं, तो गाफ कहते हैं। देखिए ये वाला गाफ, गाफ ऐसे लिखा जाता है, बस इस तरह आप लोग को सीधा खींचना है और इस तरह सीधा खींच कर ऐसे मुड़ देना, मोड़ देना है और इस तरह दो ठो डंडा खींच देना है। तो अलिफ से अ और ये हो गया गाफ से ग, प्लस लास्ट अक्षर क्या है र, र को उर्दू में कहते हैं रे, ठीक है। अब ये तीनों जुड़ जाएंगे, इनको जोड़ना बहुत आसान है। ये जो है अलिफ है ना, ये अलिफ का अलिफ रहेगा, ठीक है। और ये जो गाफ है, बस इतना ही वाला भाग आप लोगों को बनाना है, ये दो ठो डंटी और बस इतना, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे बना दिए, बस इतना ही भाग उठा लिए और इसी में ये जो रे है ऐसे जोड़ देना है। तो अलिफ से अ और ये जो गाफ है इसी में रे जुड़ गया, तो अ प्लस ग प्लस र, तो अगर हो गया। तो ये हो गया आप लोगों का उर्दू में अगर, देख रहे हैं। इस तरह आप लोग खुद से भी जोड़ सकते हैं, अगर मगर खबर लकब, इस तरह जो है ना जोड़ कर आप लोग एक सेंटेंस भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, मगर, मगर में सबसे पहला अक्षर है म, म को उर्दू में कहते हैं मीम, तो यहाँ पर मीम लिखिए। उसके बाद प्लस अगला अक्षर है ग, ग को उर्दू में अभी मैं आप लोगों को बताई गाफ कहते हैं, तो यही वाला गाफ फिर से यहाँ पर बना दीजिए, ये हो गया आप लोगों का गाफ। प्लस र, र को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं, तो ये देखिए ये हो गया आप लोगों का रे। अब ये तीनों जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे कैसे, बस ये मीम का पार्ट जो है ना इतना ही पार्ट बनाना है। देखिए कभी भी मीम जो है ना, मीम का ये वाला डंटी वाला पार्ट नहीं उठता है, डंटी वाला पार्ट हट जाता है, कहीं जुड़ना होता है ना मीम को तो डंटी वाला पार्ट हट जाता है, सिर्फ इतना ही पार्ट उठता है, इतना ही भाग उठाना होता है आप लोगों को। तो देखिए इतना ही भाग उठा लीजिए, इतना उठा लिए, ठीक। अब गाव का इतना भाग उठा लेना है, जो कि इतना उठाए थे ना यहाँ पर, बिल्कुल उसी तरह इतना ही भाग आप लोग को उठा लेना है गाव का। तो देखिए ये ऐसे और ऐसे, ऐसे ही ना था, देख रहे हैं, इतना भाग आप लोग को उठा लेना है। तो मीम में इसी तरह ले जाकर ऐसे ऐसे, और ये हो गया म भी जुड़ गया और ग भी जुड़ गया, यानी कि गाव भी जुड़ गया। अब लास्ट जोड़ना है रे यानी कि र, तो इसी में ऐसे र जोड़ दीजिए, तो म प्लस ग प्लस र, मगर हो गया। देखिए कितना आसान है, एक बार और लिखकर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। देखिए म का ये बिंदु वाला पार्ट उठा लिए, ठीक, इतना, और इसी में ये ग जोड़ना है, ग का बस इतना ही भाग उठा लेना है, ठीक, हो गया। अब इसी में रे जोड़ देना है, ऐसे हो गया म प्लस ग प्लस र, मगर कितना आसान है। चलिए आगे बढ़िए, मटर, मटर में जो सबसे पहला अक्षर है वो है म, म को उर्दू में कहते हैं मीम, फटाफट अब बनाइए, एक मिनट जरा मैं इसको मिटा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर म को उर्दू में मीम कहते हैं, तो मीम हो गया, मीम से म, प्लस ट है, ट को उर्दू में कहते हैं टे, टे कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल आसान है लिखना है, देखिए ऐसे कर कर सीधा कर देना है और ऊपर ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया मीम से म, टे से ट, प्लस र है, र को उर्दू में रे कहते हैं, आप लोगों को तो अब तो मालूम चल ही गया होगा क्योंकि बार बार आप लोग रे रे लिखे हैं। देखिए शहर में भी लास्ट में र था यानी कि रे, कबर में भी लास्ट में रे, नरम में भी रे है, अगर में भी रे है, तो र तो आप लोग को याद हो गया होगा। मटर में भी लास्ट में र आ रहा है यानी कि र उर्दू में रे कहते हैं। तो ये हो गया, अब ये तीनों जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे, देखिए मीम का सिर्फ इतना ही वाला पार्ट उठाना है, मैं आप लोग को बार बार बताई हूँ, मीम कहीं जुड़ता है ना तो सिर्फ ये मीम इतना ही पार्ट उठाना होता है, डंटी वाला पार्ट छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इतना पार्ट उठा लीजिए, हो गया म, अब इसी में ट जोड़ना है, तो ये जो ट है इसका इतना भाग काट देना है, बस इतना ही भाग उठाना है, इतना ही, मात्र इतना, ठीक है। तो इसमें इतना ही पार्ट जोड़ दीजिए, हो गया, देख रहे हैं बस इतना ही पार्ट मैं लेकर आई हूँ, इतना, और ये ऊपर वाला देना ज़रूरी होता है तो ये दे दी हूँ, ठीक है। अब इसी में क्या करना है आप लोगों को, रे यानी कि र जोड़ देना है, तो इसी में जुड़ दीजिए र,
तो मीम से मौ और ये टे जो है इसी में जुड़ गया है बीच में, तो टे से ट और लास्ट में रे जो है वो पूरा बनता है, तो रे से र, तो मौ प्लस ट प्लस र, मटर। देखिए कितना आसान है। अब आगे बढ़िए चमक। चमक में सबसे पहला अक्षर च, च को उर्दू में क्या कहते हैं, चे कहते हैं। तो देखिए चे ऐसे बनता है, तीन ठो नीचे बीच में जो है वो नुकता रहे रुकता रहता है, तो ये हो गया चे से च प्लस म। म को उर्दू में कहते हैं मीम, ठीक है। तो मीम फिर से यहाँ पर बनाइए प्लस क। अब देखिए यहाँ पर जो है ये नॉर्मल वाला क है, ठीक है, ये वाला क है, ये वाला क नहीं है। नीचे बिंदु आप लोगों को कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये वाला क है। तो अब ये वाले क के लिए कौन सा काफ यूज़ होगा, तो ये वाला काफ यूज़ होगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये वाला काफ जो है यहाँ पर ले जाकर लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। अब ये तीनों जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ, पहले मिटा दूँ, ठीक है। तो ये जो है ना च प्लस म प्लस क, ये तीनों जुड़ जाएंगे। देखिए कैसे जुड़ेंगे, इतना जो पार्ट है ना च का, देखिए इतना ही पार्ट हमेशा उठता है, तो इतना ही पार्ट आप लोग उठा लीजिए। देखिए इतना भाग उठा लिया, नीचे तीन ठो नुक्ता देना ज़रूरी होता है, हो गया। अब इसी में ये जो मीम वाला है बस इतना ही, मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि च का इतना ही पार्ट, मीम का इतना ही पार्ट, ट का इतना ही पार्ट, किसी भी मतलब आप वर्ड में इसको किसी भी शब्द में आप लोग को जोड़ना होता है ना इस तरह के लफ्ज़, इस तरह के अक्षर को, तो बस ये च का इतना पार्ट उठता है हमेशा, मीम का इतना ही पार्ट उठता है, ट जो है ना इसका इतना ही पार्ट उठता है। उसके बाद से आप अगर कहीं और भी देख लीजिए, लाम का इतना ही पार्ट उठता है, शीन का जो है बस इतना ही पार्ट, ये बाघ हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में आ जाएगा ना, तो आप लोग लफ्ज़ों अक्षरों को जोड़ना सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो च अक्षर है यानी कि चे, बस इसका इतना ही उठाना है, तो ये आप लोग उठा लिए। उसके बाद मीम जोड़ना है, तो मीम का इतना उठा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लाकर इसी में आकर ऐसे हो गया, देख रहे हैं, ये मीम जो है इतना ही लाकर ऐसे जोड़ देना है। तो देखिए ये मीम हो गया च प्लस ये म, मीम से म, और ये जो काफ है ये काफ पूरा का पूरा बनेगा, देख रहे हैं, ये काफ जो है इस तरह पूरा का पूरा बन जाएगा, जो लास्ट वाला अक्षर है वो पूरा बनता है। आप देख लीजिए इतने सारे वर्ड को आप लोग मतलब उर्दू में ट्रांसलेट किए ना, लास्ट वाला जो है पूरा का पूरा बनता है। इसमें मीम पूरा बना है, इसमें भी मीम, नू देख रहे हैं, इसमें रे पूरा बना है, इसमें बे पूरा बना है, इसमें भी बे, देख रहे हैं, लास्ट का जो वर्ड होता है पूरा का पूरा बनता है। तो देखिए चमक, लास्ट में जो काफ है वो पूरा का पूरा बनेगा। तो देखिए चे से च, मीम से म और काफ से क, चमक हो गया। अब आगे बढ़िए डगर। डगर में सबसे पहला अक्षर है ड, ड को उर्दू में कहते हैं डाल, जो कि इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का ड प्लस ग, ग को उर्दू में कहते हैं गाफ, तो गाफ कैसे लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर लिखकर आप लोगों को बताई भी थी, तो इस तरह लिखा जाता है गाफ, ठीक है। तो ड प्लस ग हो गया, और र, र को उर्दू में कहते हैं रे, तो ये तीनों जुड़ जाएंगे, ये तो बहुत आसान है जोड़ना। देखिए ये जो ड है बिल्कुल इसी तरह बनेगा, ये कहीं जुड़ेगा नहीं, ये ड जो है बिल्कुल इसी तरह आप लोग को बना देना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा तो बस इसमें, बस गाफ का इतना ही पार्ट उतार देना है, इतना ही पार्ट आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो देखिए इतना पार्ट बना दिए गाफ का, ठीक है, ये हो गया गाफ प्लस रे का, रे जो है ना इसी मिलाकर ऐसे जोड़ देना है, तो डाल से ड, गाफ से ग और प्लस रे से रा, तो ये तीनों जुड़कर क्या बन गए, डगर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए पहल। पहल का सबसे पहला अक्षर है प, प को उर्दू में कहते हैं पे, तो देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, ऐसे नीचे तीन ठो नुकता रहता है, तो ये हो गया पे से प प्लस ह है, ह को उर्दू में हे कहते हैं, मैं आप लोग को यहाँ पर भी बताई थी, ठीक है। तो ऐसे हे बना दीजिए, प प्लस ह, और ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का, ज़्यादा ऊपर नहीं किया जाता, ये हो गया लाम, ठीक, एक मिनट, यहाँ पर बराबर का चिन्ह रहेगा। तो प प्लस ह प्लस ल, तीनों जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, देखिए प का जब इतना ही पार्ट आप लोगों को बनाना है, इतना ही, ठीक है, इतना ही पार्ट उठाना है, तो ये इतना पार्ट उठा लिए, तीन ठो नुक्ता देना ज़रूरी होता है, इतना पार्ट उठ गया। उसके बाद से ये जो हे है, मैं आप लोगों को बताई हूँ कि पूरा जो गोल हे है इसको गोल नहीं लिखा जाता है, इसका शकल चेंज हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो बिल्कुल यही वाला शकल यहाँ पर ला देना है, ठीक है, देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ला देना है और नीचे ऐसे कर देना है। तो देखिए पे से प हो गया, और ये वाला हे नहीं बनाना है, ये वाला हे बनाना है, मतलब इस यही है हे, बस इसका शकल चेंज हो गया है, तो ये हे से ह हो गया, और उसके बाद से लास्ट में लाम जोड़ देना है यानी कि ल, तो ल का पूरा बनाएंगे, तो ये देखिए आप लोगों का ल यानी कि लाम जुड़ गया, ठीक है। तो पे से प, हे से ह और लाम से ल, पहल, ठीक है। आगे बढ़िए महक। महक में सबसे पहला अक्षर म, म को उर्दू में मीम कहते हैं, फटाफट बनाइए, प्लस ह, ह को उर्दू में हे कहते हैं, तो ये हो गया हे, प्लस
क क उर्दू में देखिए कौन सा क है, नीचे बिंदु वाला क तो नहीं, नहीं नीचे बिंदु वाला क नहीं है, तो यानी कि ये वाले क के लिए कौन सा काफ़ यूज़ होगा, तो ये वाला काफ़ यूज़ होगा। तो मीम से म है से ह काफ से क, ये तीनों जुड़ जाएंगे। अब देखिए जुड़ेंगे कैसे, मीम का आप लोग जानते हैं ये डंटी वाला पार्ट नहीं, डंटी वाला भाग नहीं उठाया जाता है, सिर्फ ये बिंदु वाला भाग उठाया जाता है, तो बिंदु वाला भाग उठा लीजिए। अब आप लोग जानते हैं ये इस तरह लिखा जाता है, तो यही वाला भाग, ये वाला जो शकल है यहाँ पर आप लोग को ऐसे बना देना है, ठीक है। तो मीम से म है से ह, और यहाँ पर जो है आप लोग काफ जोड़ देंगे, तो ये हो गया आप लोग का काफ। तो म प्लस ह प्लस क, क्या हो गया महक, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बना कर दिखा दे रही हूँ। देखिए ये मीम हो गया, और इसी में ये हे जो है जोड़ देना है, तो ये हो गया आप लोग का है, और यहीं पर काफ जो है जुड़ दे, महक हो गया। अब आगे बढ़िए चटक, चटक में जो सबसे पहला अक्षर है वो क्या है, च। च उर्दू में क्या कहते हैं फटाफट बताइए, तो चे कहते हैं, चे यहाँ पर बना देना है आप लोगों को, चे बना दिए, चे से च प्लस ट, टॉ को उर्दू में कहते हैं टे, तो यहाँ पर टे बना दीजिए, च प्लस ट और क। देखिए ये बिंदु वाला क नहीं है, यानी कि ये वाला काफ़ी यूज़ होगा, ठीक है, तो ये वाला काफ़ी यूज़ हो गया। अब तीनों जुड़ेंगे, इनको जोड़ना बहुत आसान है, मैं आप लोगों को बताई हूँ कि च का सिर्फ ये वाला भाग उठाया जाता है, तो सिर्फ ये वाला भाग उठाइए, ठीक है, और उसके बाद से देखिए ये च उठा दिए, और तीन को नीचे नुक्ता देना ज़रूरी होता है, तो ये हो गया च। और इसी में ट जोड़ना है, ट में भी आप लोगों को बताई हूँ कि पूरा नहीं लिखा जाता है, इतना काट दिया जाता है, सिर्फ इतना ही भाग उठाया जाता है, तो इतना ही भाग उठा दीजिए, देखिए ऐसे, और फिर इस तरह, और ऊपर ये वाला जो है वो देना ज़रूरी होता है, बी की तरह दिया जाता है, देखते हैं जिस तरह आप लोग ए बी सी डी लिखते हैं, एक ए और ये इस तरह बी, तो ये जो बी है बस इसका साइज़ छोटा कर देना है, इस तरह कर देना है, ठीक है, ये बड़ा बी हो गया, आप लोग को छोटा बी ऐसे कर देना है, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया चे से च, और ट भी जुड़ गया, यानी कि टे भी जुड़ गया, और उसके बाद क्या है, काफ है, तो काफ को आप लोगों को पूरा का पूरा जोड़ देना है ऐसे, ठीक है। तो चे से ट, चे से च, टे से ट, और काफ से क, च प्लस ट प्लस क, चटक हो गया, देखिए कितना आसान। आगे बढ़िए छनक, छ। अब देखिए जैसे सी एच से च होता है, ठीक है, और उसके बाद से सी एच में एक और एच जोड़ देते हैं, यानी कि सी डबल एच से छ होता है, बिल्कुल उसी तरह चे से छ है ना, बिल्कुल उसी तरह चे से च होता है, और चे में जब आप एच जोड़ते हैं, यानी कि हे जोड़ते हैं, एच को उर्दू में कहते हैं हे, तो जिस तरह आप सी एच से च और सी एच में एक और एच जोड़ देते हैं, यानी कि सी डबल एच से छ, बिल्कुल उसी तरह चे से च और चे में एच, यानी कि चे में हे जोड़कर हम लोग छ बना देते हैं। कैसे जुड़ेगा ये चे में हे, तो देखिए ऐसा चे हो गया, यानी कि, और इसी में आप लोग ये वाला जो है ऐसे जोड़ देंगे एच, तो ये चे में आप लोगों का एच यानी कि हे जुड़ गया, तो चे में हे मिलाकर क्या बन गया, छ, तो इस तरह छ बनता है। तो अब यही वाला छ यहाँ पर लिखना है, देखिए लिख दिए कितना आसान, ये हो गया आप लोगों का छ। एक मिनट इसको मैं आप लोगों को मिटा दूँ, तो ये हो गया छ प्लस न, न को उर्दू में नून कहते हैं, प्लस क, क बिंदु वाला क नहीं है, नीचे बिंदु नहीं ना है, सिर्फ ये वाला नॉर्मल क है, तो ये वाला काफ यूज़ करेंगे, तो छ प्लस न प्लस क, तीनों जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे कैसे, देखिए ये छ है बिल्कुल उसी तरह बन जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, छ बिल्कुल उसी तरह बना दिए, थोड़ा अच्छा से बना दूँ मैं, देखिए ये छ हो गया। उसके बाद न यानी कि नून बनाना है, तो नून का पूरा भाग नहीं बनाना है, बस इतना भाग बनाना है, ये वाला बस इतना ही, ठीक है, इतना, तो देखिए इसी में जो है ना इस तरह कर दिए, और ऊपर जो है नुक्ता रहता है, तो यहाँ पर एक नुक्ता दे दीजिए, तो ये हो गया छ, और इसी में ये नून यानी कि न जुड़ गया, तो ये हो गया न, और काफ जो है वो लास्ट में पूरा बनेगा, तो छ प्लस न प्लस क, छनक, आसान। चलिए आगे बढ़िए झलक, इसमें झ है, जिस तरह मैं आप लोगों को बताई सी एच से छ और सी डबल एच से छ होता है, यानी कि चे में चे से च और चे में एच मिलाकर छ होता है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर देखिए झलक है, तो जिस तरह जे से ज और जे में जब आप एच जोड़ देते हैं, तो जे एच से ज होता है, बिल्कुल उसी तरह जो है जिम से ज होता है, और जब जिम में आप एच जोड़ देते हैं ऐसे, यानी कि हे जोड़ देते हैं, तो जिम में एच मिलाकर झ होता है, तो इस तरह झ लिखा जाता है। तो देखिए ये वाला झ यहाँ पर बनाइए, ये बन गया झ प्लस, उसके बाद क्या है अगला अक्षर, अगला अक्षर है ल। ल को उर्दू में क्या कहते हैं, ल को उर्दू में कहते हैं लाम, तो लाम हो गया, झ प्लस ल और काफ से क, ठीक है। तो ये देखिए बिंदु वाला काफ नहीं है ना, नॉर्मल काफ है, तो ये वाला काफ यूज़ करेंगे। एक मिनट, हाँ, तो झ प्लस ल प्लस क, तीनों जुड़ जाएंगे, बहुत ही आसान है जोड़ना, ये झ वाला पार्ट है ना, बिल्कुल जिस तरह है उसी तरह आप लोगों को यहाँ पर बना देना है, हो गया झ। और ये जो ल है इसका लाम, इसका ये सिर्फ डंटा वाला पार्ट बनाना है, डंटा वाला भाग बनाना है, तो ये डंटा वाला भाग बना दिए, और उसके बाद से ये काफ जोड़ देना है, तो काफ बिल्कुल उसी तरह आप लोगों को बनाना है, तो ये हो गया आप लोगों का पूरा काफ। तो झ, और उसके बाद से लाम से ल, और काफ से क, झ प्लस ल प्लस क, झलक,
देखिए कितना आसान हो गया। आगे बढ़िए, जगह। जगह में जो सबसे पहला अक्षर है वो है ज। ज को उर्दू में कहते हैं जीम। जीम कैसे लिखा जाता है? बिल्कुल उसी तरह लिखा जाता है, इस तरह, जिस तरह आप लोग चे लिखते हैं, खे लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिम भी लिखा जाता है, बस जिम में बीच में एक नुक्ता होता है। तो ये हो गया ज प्लस ग। ग को उर्दू में क्या कहते हैं? तो गाफ कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताई थी, तो यहाँ पर एक बार और गाफ बना दीजिए। ज प्लस ग प्लस ह है, तो ह को उर्दू में क्या कहते हैं? हे कहते हैं। तो ये हो गया, अब तीनों जुड़ जाएंगे। जोड़ना बहुत आसान है, बस इतना ही वाला भाग उठाइए, ठीक है? इतना भाग उठा लिए तो ये हो गया ज, और इसी में गाफ का इतना ही पार्ट उठाना है। तो ये हो गया आप लोगों का, ठीक है? ये ज का इतना पार्ट उठा लिए ऊपर का, और गाफ का सिर्फ इतना पार्ट उठा लिए, जोड़ दिए। अब इसमें लास्ट हे जोड़ना है। तो हे को हम लोग ऐसे गोल नहीं बनाते हैं, यहाँ पर जो है हे ऐसे बन जाएगा, ठीक है? यहीं पर आकर ऐसे हो जाएगा। तो जीम से ज और गाफ से ग, और ये वाला जो है गोल नहीं लिखा जाता है, ऐसे बन जाता है। तो ये वाला जो है ऐसे बन जाएगा, ऐसे, जैसे कि आप मैथ में पढ़े होंगे ऐसे बनता है ना मैथ में, तो बिल्कुल उसी तरह बना देना है आप लोगों को ऐसे। तो ये हो गया जगह। आगे बढ़िए, टहल। टहल में सबसे पहला अक्षर जो है वो है ट। ट को उर्दू में टे कहते हैं, तो यहाँ पर बनाइए टे प्लस ह। ह को उर्दू में हे कहते हैं, तो यही वाला हे बनेगा, प्लस ल। ल को उर्दू में लाम कहते हैं, बराबर ये तीनों जुड़ जाएंगे। ट का सिर्फ इतना ही भाग कट जाएगा और इतना ही भाग उठेगा, ठीक है? तो इतना भाग उठा लीजिए, ठीक है? तो ये हो गया ट, और इसी में क्या जोड़ना है? ये वाला हे जोड़ना है। ये वाला जो है अपना शकल चेंज कर लेगा, और ये वाला शकल में चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ये वाला भाग यहाँ पर लाकर जोड़िए, देखिए ये हो गया, ठीक है? तो ये हो गया टे से ट, और हे से ह, और लास्ट में लाम जोड़ देना है ना। लाम तो जो है वो पूरा का पूरा जुड़ेगा, तो ट प्लस ह प्लस ल, क्या बन गया? टहल, ठीक। आगे बढ़िए, ठनक। ठ पहला अक्षर क्या है? ठ। ठ को उर्दू में क्या कहते हैं? देखिए जिस तरह टी से ट होता है, टी एच से थ होता है, बिल्कुल उसी तरह उर्दू में टे से ट होता है, और टे में जब आप एच जोड़ देते हैं, यानी कि हे जोड़ देते हैं, तो बन जाता है ठ। तो इस टे में एच यानी कि हे जोड़ेगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है? तो ये वाला ठ यहाँ पर लिखा जाएगा, तो ये वाला ठ यहाँ पर लिख दीजिए, ठ हो गया। और उसके बाद से अगला अक्षर क्या है? अगला अक्षर है न। न को उर्दू में क्या कहते हैं? तो न को उर्दू में कहते हैं नून, तो नून बना दिए, ठीक है? और उसके बाद से अगला अक्षर है लास्ट क। कौ को उर्दू में क्या कहते हैं? काफ कहते हैं, ये वाला काफ। तो देखिए ठ प्लस न प्लस क, ये देखिए ये कैसे जुड़ेंगे। ये ठ का जो है ना, ठ बिल्कुल उसी तरह बनेगा, ठ हो गया। और ये जो नून है, नून का इतना भाग कट जाएगा, सिर्फ इतना ही भाग उठेगा, तो देखिए इतना हो गया, ठीक है? ऊपर नुक्ता दिलाएगा, तो ये हो गया ठ, और इसी में ये नून जुड़ गया। न और प्लस काफ जो है वो पूरा का पूरा बनेगा, तो ये काफ पूरा का पूरा बना दिए, तो ठ प्लस न प्लस क, ठनक। तो इतने सारे तीन अक्षरों से मिलकर बने हिंदी के शब्द को हम लोग उर्दू में लिखना और पढ़ना सीखें। अभी इतना ही, मैं आप लोग मत उकता जाइएगा, अभी मैं आप लोगों को तीन अक्षर से मिलकर बने और भी शब्द को दे रही हूँ, जिसको हम लोग को हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेट करना है। अब जो हम लोग हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे ना, वो फटाफट करेंगे, क्योंकि यहाँ तक आप लोग सीखें कि कैसे तीन अक्षर से मिलकर बने हिंदी के शब्दों को उर्दू में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, और कैसे उर्दू के तीन अक्षरों को जोड़ा जाता है, यहाँ तक तो आप लोग सीखें। अब जो मैं आप लोग को तीन अक्षर से बने हिंदी के शब्द को दूंगी ना, उसको फटाफट हम लोग उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, धड़ाधड़, मतलब हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीन शॉट। अब देखिए अगला वर्ड है ढरक। ढरक में सबसे पहला जो अक्षर है वो है ढ, अब हम लोग फटाफट करेंगे, ठीक है? ढ है, ढ को उर्दू में क्या कहते हैं? देखिए जिस तरह डी से ड और डी एच से ढ होता है, बिल्कुल उसी तरह डाल से ड होता है, और डाल में एच जोड़ते हैं, यानी कि एच को उर्दू में क्या कहते हैं? हे कहते हैं। तो डाल में जब एच जोड़ते हैं तो डाल में हे मिलाकर क्या हो जाता है? ढ होता है। तो देखिए इस तरह ढ लिखाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ढ लिख दीजिए, ये हो गया आप लोगों का ढ, ठीक है? पहले मिटा दूँ मैं, ठीक। अब ध हो गया, अगला अक्षर क्या है? र। र को उर्दू में कहते हैं रे, ये लिख दिए फटाफट। और क, क को उर्दू में क्या कहते हैं? क को उर्दू में कहते हैं काफ, तो ये हो गया आप लोगों का काफ। ये तीनों जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे? देखिए ये जो ढ है उसी तरह लिखाएगा, लिख दिए। और ये जो हे का निकला है ये पार्ट, यहीं से इसी में जो है ना ये रे यानी कि र जुड़ जाएगा, तो ये र जुड़ गया। ढ में क्या हो गया? र जुड़ गया। और काफ में जो है ना काफ बिल्कुल उसी तरह का उसी तरह लिखा जाएगा, तो ढ प्लस र प्लस क, क्या हो गया? ढरक, ठीक। आगे बढ़िए, तड़क। अब आप लोग फटाफट कीजिए, ठीक है? ट, ट को उर्दू में कहते हैं ते, ठीक है? प्लस ड,
रा को उर्दू में कहते हैं रे। देखिए ये इस तरह लिखा जाता है रे, इस तरह रे की तरह बना देना है और ऊपर बी दे देना है इस तरह का, जिस तरह आप लोग बड़ा बी देते हैं यहाँ पर छोटा बी उसी तरह दे देना है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का रा। त प्लस र प्लस क, क को उर्दू में काफ कहते हैं, तो ये हो गया काफ। तीनों जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे, त का इतना भाग कट जाएगा, सिर्फ इतना ही भाग उठाना है आप लोगों को, तो इतना भाग उठा लिए, ऊपर दो ठो नुक्ता दे देना है, ठीक है। तो ये हो गया त प्लस, ये जो ड है यहीं पर बन जाएगा, देखिए ये तो त में ड जुड़ गया और जो लास्ट में काफ है वो काफ का काफ बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा। तो ते से त, रे से ड और काफ से क, त प्लस ड प्लस क, तड़क। देखिए कितना सिंपल। आगे बढ़िए अलग। अलग में सबसे पहला अक्षर है अल, अ। अ को उर्दू में कहते हैं अलिफ, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का अलिफ प्लस, अलिफ से अ हो गया ल, ल को उर्दू में लाम कहते हैं, तो ये हो गया लाम प्लस ग, ग को उर्दू में क्या कहते हैं गाफ, गाफ से ग। तो अब ये तीनों जुड़ जाएंगे, अलिफ तो किसी में जुड़ेगा नहीं, अलिफ इसी तरह का इसी तरह रहेगा, अलिफ तो एकदम वन की तरह लिखा जाता है, तो ये हो गया अ। अब जो लाम है ये लाम पूरा का पूरा नहीं लिखाएगा, इसका ये जो डंटा वाला पार्ट है सिर्फ इतना ही उठाइए, इतना उठा लिए, देख रहे इतना ही पार्ट आप लोग उठाना है, तो इतना उठा लिए और इसी में ये गाफ जो है ना पूरा का पूरा जोड़ देना है। तो देखिए इसी में जब ये गाफ जोड़ देंगे पूरा का पूरा, तो इस तरह हो जाएगा। तो अलिफ से अ, लाम से ल, और इसी लाम में ये जो गाफ जुड़ गया है तो गाफ से ग, तो अ प्लस ल प्लस ग, अलग, ठीक है। आगे बढ़िए थ, तो थलग में जो सबसे पहला अक्षर है वो है था। तो था को देखिए कैसे लिखा जाता है उर्दू में, यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, जिस तरह टी से त, टी एच से था होता है, बिल्कुल उसी तरह उर्दू में ते से त और ते में जब आप एच यानी कि हे जोड़ते हैं तो ये ते में हे मिलकर क्या बन जाता है, थ बन जाता है। तो इस तरह लिखा जाता है थ, इसका इतना भाग कट जाता है, इतना ही उठ जाता है और इसी में त में यानी कि ते में ये हे यानी कि जुड़ जाता है, तो था हो गया। तो यही वाला था अब आपको यहाँ पर लिख देना है, तो ये हो गया थ प्लस। थ के बाद अगला अक्षर क्या है, ल, ल को उर्दू में कहते हैं लाम, तो यहाँ पर लाम बना देना है, लाम से ल हो गया और ग, ग को उर्दू में गाफ कहते हैं, तो यहाँ पर गाफ बना दीजिए, ठीक है। तो ये तीनों जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे, इनको जोड़ना बहुत आसान है, थ जिस तरह है ना बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर मतलब बना देना है, बिल्कुल उसी तरह बना दिए, था ये हो गया था, और ये जो लाम है लाम का ये डंटी वाला पार्ट यहाँ पर बना देना है, लीजिए ये हो गया लाम का सिर्फ ये डंटी सीधा डंटा वाला पार्ट, और उसके बाद गाफ तो आप लोग को पूरा बना देना है, ये गाफ पूरा का पूरा बन गया, देख रहे हैं ये गाफ जो है पूरा का पूरा बना देना है। तो थ प्लस ल प्लस ग, तीनों मिलकर थलग बन गया। आगे बढ़िए दमन। द को उर्दू में कहते हैं दाल, दाल को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, प्लस म, म को उर्दू में कहते हैं मीम, और कैसे लिखा जाता है, मीम को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का मीम। उसके बाद लास्ट में है न, न को उर्दू में नून कहते हैं, ये हो गया आप लोगों का नून, जोड़ दीजिए। देखिए द का जो दाल है ना, दाल का दाल बिल्कुल उसी तरह लिखा जाएगा, ये हो गया द, और मीम जो है ना मीम का सिर्फ इतना ही पार्ट उठाना है आप लोगों को, ये डंटा वाला पार्ट छोड़ देना है, सिर्फ इतना ही वाला भाग उठाइए, तो इतना उठा लिए और इसी में ये जो नून है इस तरह जोड़ देना है, तो द बिल्कुल उसी तरह लिखा जाएगा, मीम में नून जुड़ जाएगा, तो द प्लस म प्लस न, क्या हो गया दमन, उसी तरह दमक है, तो दाल से द हो गया प्लस मीम से म हो गया, अब लास्ट में जो है ना आपका क आ गया है, यहाँ पर दमन था अब यहाँ पर दमक हो गया है, काफ यानी कि आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, काफ आ जाएगा, काफ से क। अब ये भी बिल्कुल उसी तरह दाल का दाल ही रहेगा और मीम का सिर्फ इतना ही वाला पार्ट बनाना है, तो देखिए इतना ही वाला पार्ट बना दिए, और जहाँ पर ये मीम यहाँ पर दमन था तो मीम में नून जोड़ रहे थे, अब यहाँ पर दमक है तो अब इस मीम में अब काफ जोड़ेंगे, इस तरह काफ पूरा का पूरा, तो दाल से द, मीम से म और काफ से क, द प्लस म प्लस क, दमक हो गया। देखिए कितना आसान है, एक मिनट ये मेरे ही हाथ से मिटक गया, चलिए जाने दीजिए, लीजिए हो गया सफल, ठीक। आगे बढ़िए दमक, धमक, यहाँ पर था दमक अब यहाँ पर है धमक। ध को कैसे लिखा जाता है, जिस तरह डी से द और डी एच से ध, बिल्कुल उसी तरह उर्दू में दाल से द, दाल से द, और दाल में जब आप एच यानी कि हे जोड़ते हैं तो दाल में हे मिलाकर बनता है ध, तो देखिए ध ऐसे लिखा जाता है, द उर्दू में इस तरह लिखा जाता है और ध कैसे लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है, तो ये हो गया आप लोगों का ध प्लस। आगे क्या है, अगला अक्षर है म, अगला अक्षर म, तो म को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं, तो मीम उसी तरह उतार दीजिए, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का मीम, थोड़ा अच्छा से रुक जाइए मैं बना दूँ, ये हो गया आप लोगों का मीम प्लस। क है तो क को उर्दू में यही वाला काफ उतार देना है क, ठीक है, तो ध प्लस म प्लस क, कैसे जुड़ेंगे हम, अब देखिए यहाँ पर ये जो दाल है ये जो ध है बिल्कुल उसी तरह उतार देना है, इस तरह उतार दिए ध, और यहीं पर जो है ना आपका मीम ये जुड़ जाएगा, मीम का ये जो बिंदु वाला पार्ट है यहीं पर जुड़ जाएगा, और इस तरह
मतलब ये जिला पाठ है ना, इस तरह आकर यहीं पर ऐसे हो गया, ठीक है। तो ध में म जुड़ गया, अब काफ जोड़ देना है यहीं पर ऐसे, तो ध प्लस म प्लस क, धमक। देखिए कितना आसान है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बनाकर दिखा दे रही हूँ। देखिए ध को बिल्कुल उसी तरह लिख देना है, ये हो गया आप लोगों का ध। और इसी में ये जो निकला है डंटा, इसी में मीम का ये जो बिंदु वाला पाठ है वो जोड़ देना है। तो देखिए यहीं पर जुड़ गया मीम, और इसी में ये लास्ट वाला काफ का पूरा काफ लिख देना है, तो ध म का प्लस धमक, ठीक है। आगे बढ़िए नकल, नकल नकल में नीचे एक बिंदु रहेगा, ठीक है, क के नीचे बिंदु रहेगा, ये है क। तो न को उर्दू में तो नून कहते हैं, तो नून लिख दिए, प्लस क, ये कौन सा क है, तो नीचे बिंदु वाला क है, तो कौन सा काफ यूज़ करेंगे, तो ये वाला काफ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया नून से न, काफ से क, प्लस ला, ला को उर्दू में लाम कहते हैं, तीनों जुड़ जाएंगे। देखिए कैसे जुड़ेंगे, नून का जो है ना इतना पार्ट कट जाएगा, सिर्फ इतना ही उठाना है आप लोगों को, देखिए इतना उठ गया, ये हो गया न। उसके बाद इसी में ये काफ जोड़ना है, तो काफ का इतना ही गोल वाला भाग उठा लेना है, देखिए इस तरह इतना ही भाग, तो इतना ही भाग में उठा ली हूँ, ऊपर दो ठो नुक्ता दे देना है। ये नून पर का ये एक ठो नुक्ता है, और ये काफ पर का दो ठो नुक्ता है, ठीक है। तो न जुड़ गया, क जुड़ गया, अब लाम जोड़ देना है, तो लाम तो पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, तो न प्लस क प्लस ला, नकल। आगे बढ़िए पकड़, पकड़ में सबसे पहला अक्षर क्या है, प, प को उर्दू में कहते हैं पे, जो कि इस तरह लिखा जाता है, प हो गया प्लस क, क को उर्दू में काफ कहते हैं, तो ये नॉर्मल वाला काफ है, बिंदु वाला काफ नहीं ना है, अगर बिंदु रहता तो ये वाला काफ लिखते हैं, यहाँ पर बिंदु नहीं है तो ये वाला काफ लिखेंगे, ठीक है। तो प क प्लस अड़ा, अड़ा को उर्दू में कहते हैं रे, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का रे। अब ये तीनों जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे, ये प का इतना भाग कट जाएगा, सिर्फ इतना ही भाग उठेगा, ठीक है, तो इतना भाग उठा लीजिए, ठीक है, नीचे तीन नुक्ता दे दीजिए, तो ये हो गया प, और इसी में ये काफ जुड़ जाएगा, काफ का सिर्फ इतना ही भाग, तो इतना ही भाग जो है आप काफ का जोड़ दीजिए, और इसी में ये जोड़े है ये इस तरह जुड़ जाएगा, ठीक है। तो प प्लस क, क का इतना ही भाग काफ का, तो प प्लस क प्लस ड, पकड़। आगे बढ़िए फतह, फतह, फतह में सबसे पहला अक्षर है फ, फ को उर्दू में कहते हैं फे, कैसे लिखा जाता है, ऐसे गोल कर दिया जाता है और सीधा खींच कर ऐसे मोड़ दिया जाता है, तो ये होता है आप लोगों का फ, फे से फ। उसके बाद से त है, त को उर्दू में क्या कहते हैं, तो ते कहते हैं, तो ते ऐसे लिखा जाता है, ये हो गया आप लोगों का ते, ते से त। और लास्ट में जो है वो है ह, ह को उर्दू में हे कहते हैं, देखिए ऐसे हे लिखा जाता है, सिंपल, ठीक है, इसमें ना कहीं पर भी बिंदु नहीं रहता है, सिंपल ये हे हो गया, इसमें कहीं बिंदु नहीं रहता है, ठीक है, नुक्ता नहीं रहता है। तो ये हो गया फे से फ, ते से त, और हे से ह, अब ये तीनों जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे, देखिए ये जो फ वाला, फे वाला पार्ट है, सिर्फ ये गोल वाला पार्ट उठा लेना है, फे का ये गोल वाला पार्ट इतना उठा लेना है, तो देखिए इतना उठा लिए, ये हो गया फ, और इसी में ये ते जोड़ देना है, अब ते जो है ना इतना पार्ट काट देना है, सिर्फ इतना ही पार्ट उठाना है, तो देखिए इतना पार्ट ते का उठा लिए, फ प्लस इसी में त जुड़ गया इतना, ठीक है, इतना ही पार्ट, तो फ प्लस त, अब लास्ट में ह जोड़ देना है, अब ये जो हे है यानी कि ह, इस तरह करके देख रहे हैं, ये वाला भाग इस तरह करके ऐसे कर देना है, तो देखिए फ प्लस त प्लस ये लास्ट में हे यानी कि ह जुड़ गया, तो फतह हो गया, सिंपल। आगे बढ़िए बसर, बसर में जो सबसे पहला अक्षर है वो ब, तो ब को उर्दू में कहते हैं बे, प्लस स को उर्दू में कहते हैं सीन, तो लिखिए सीन फटाफट, प्लस र को उर्दू में कहते हैं रे, रे लिख दिए, अब तीनों जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे, इतना पार्ट काटिए, सिर्फ इतना ही बे का उठाइए, तो इतना बे हो गया, अब इसी में ये सीन का जो तीनों कोनी वाला पार्ट है बस इतना ही उठाना है, ये चांद वाला पार्ट हटा देना है, तीन कोनी वाला पार्ट उठाना है, तो ये तीन तो कोनी बन गया, तो ये हो गया बे से ब, और ये हो गया सीन से स, और लास्ट में ये र जोड़ देना है, तो ब प्लस स प्लस र, क्या हो गया बसर। आगे बढ़िए बदन, बदन में पहला अक्षर ब, ब को उर्दू में कहते हैं बे, तो बे लिख दिए, प्लस द, द को उर्दू में कहते हैं दाल, तो दाल लिख दिए, प्लस न को उर्दू में कहते हैं नून, तो ये हो गया आप लोगों का नून, ये मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे, देखिए ब का इतना ही पार्ट होगा, कट जाएगा, इतना ही पार्ट आप लोग को उठाना है, तो इतना पार्ट उठा लिए, इसी में आप लोग दाल जोड़ देंगे, देख रहे हैं ये दाल जो है इसी तरह इसमें आप लोग को जोड़ देना है, तो ब प्लस द, और ये जो नून है इसमें आकर जुड़ जाएगा बदन, ठीक है, ब प्लस द प्लस न, बदन हो गया। आगे बढ़िए भड़क, भड़क यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस तरह बी से ब, बी एच से भ होता है, बिल्कुल उसी तरह बे से ब, और बे में जब आप एच यानी कि हे जोड़ते हैं इस तरह, तो बे एच से भ बन जाता है, यानी कि बे में हे मिलाकर भ बन जाता है, तो ये वाला भ जो है यहाँ पर लिखना है, तो ये हो गया आप लोगों का भ। और उसके बाद अगला अक्षर क्या है, अगला अक्षर है ड, ड उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं, तो यहाँ पर रे लिख दीजिए, ठीक है, तो भ प्लस ड हो गया। उसके बाद क, क उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं, तो ये हो गया आप लोगों का क। अब तीनों जुड़ जाएंगे, कैसे लिखेंगे, तीनों कैसे जुड़ेंगे, सबसे ये जो भ है बिल्कुल उसी तरह भ का भ उतार देना है, भ हो गया। अब इसी में ये जो रे है यहीं पर आप लोगों को जोड़ देना है, देखिए भ प्लस ड जुड़ गया, उसके बाद से लास्ट का जो क है बिल्कुल उसी तरह का उसी तरह उतार देना है, तो भ प्लस
ड़ा प्लस का भड़क। आगे बढ़िए महल। महल में जो सबसे पहला अक्षर है वो मीम मा है, यानी कि मा को उर्दू में मीम कहते हैं। प्लस ह है तो ह को हे कहते हैं, हे लिख दिए। प्लस ला, ला को उर्दू में लाम कहते हैं। तो ये हो, देखिए इसको जोड़ेंगे कैसे। ये मीम का जो पार्ट है बिंदु वाला, बस यही वाला उठा लेना है। तो ये बिंदु वाला पार्ट उठा लिए। अब आप जानते हैं कि ये जो है इसको गोल नहीं लिखा जाता है, ये अपना शक्ल चेंज कर लेता है और ऐसे बन जाता है। तो यहाँ पर भी जो है ना ये ऐसे बन जाएगा बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। तो ये हो गया मीम से मा और हे से ह, और इसी में ये जो लाम है ये पूरा का पूरा ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मा प्लस ह प्लस ला क्या हो गया महल। आगे बढ़िए यमन। यमन तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला अक्षर क्या है वो है य। य को कैसे लिखा जाता है, य को उर्दू में कहते हैं ये छोटी ये, देख रहे हैं छोटा सा ऐसे गोल किया जाता है और एक बड़ा मतलब एक तरह से हांडी की तरह बना दिया जाता है। तो ये हो गया आप लोगों का य। प्लस म को उर्दू में कहते हैं मीम, तो यहाँ पर मीम बनाइए। प्लस न, न को उर्दू में कहते हैं नून, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। अब ये जो य है ध्यान दीजिए, ये वाला य इस तरह नहीं जुड़ेगा, इस वाले य को हम लोग ऐसे जोड़ेंगे, देखिए इस तरह बन जाएगा, ठीक है, ये इस तरह, ठीक है। और उसके बाद से यहीं पर आप लोगों का जो ये मीम है, ये वाला जो य है अपना शकल चेंज कर ऐसे बन जाएगा, देख रहे हैं जिस तरह आप लोग इस तरह खींचते हैं, जबर की तरह खींच देना है और यहीं पर नीचे दो ठो बिंदु दे देना है, तो इसको आप लोग य बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का य, और इसी में आप लोग मीम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का हो गया मीम जुड़ गया और प्लस न जोड़ देना है, ठीक है। तो य प्लस म प्लस न यमन। पहला वर्ड है यकब। यकब में भी सबसे पहला जो अक्षर है वो है य, तो य को छोटी ये यहाँ पर बना देना है, ये हो गया य। प्लस क, क ये नीचे बिंदु वाला है मतलब क है, तो ये कौन सा काफ यूज़ करेंगे, ये वाला काफ, तो ये हो गया य प्लस क प्लस ब। ब को उर्दू में बे कहते हैं, तो अब ये दोनों जुड़ जाएंगे। और मैं आप लोगों को अभी बताइए, ये जो य है ये अपना शकल चेंज कर लेता है, जिस तरह हे जो है अपना शकल चेंज करता है, बिल्कुल उसी तरह ये जो छोटी ये है अपना शकल चेंज करके ऐसे बना देगी, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को बनाना है, ठीक है। और उसके बाद से इसी में ये काफ जो है, काफ का ये गोल वाला पार्ट जोड़ देना है, तो ये काफ का गोल वाला पार्ट जोड़ दिए। तो देखिए ये य हो गया छोटी ये से य, और ये काफ से क हो गया, और इसी में ब यानी कि बे जोड़ देना है, तो य प्लस क प्लस ब यकब, ठीक है। रमन। रमन में पहला अक्षर र, यानी कि र को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं, तो रे हो गया। प्लस म को उर्दू में मीम कहते हैं, तो मीम हो गया। प्लस न को उर्दू में नून कहते हैं। अब ये तीनों जुड़ जाएंगे, जोड़ना बहुत आसान है। र जो है र का र उसी तरह रहेगा, ठीक है। और ये जो मीम है, मीम का ये बिंदु वाला पार्ट उठाना है, तो मीम का ये बिंदु वाला पार्ट इस तरह उठा लिए, ये हो गया र प्लस ये हो गया म, और इसी म में इस तरह नून जोड़ देना है पूरा का पूरा, तो र प्लस म और इसी में नून यानी कि न जुड़ गया है, तो रमन। आगे बढ़िए लकब। लकब में पहला अक्षर ल है, ल को उर्दू में कहते हैं लाम, जो कि इस तरह लिखा जाता है। प्लस क है, नीचे बिंदु वाला क है, तो इसमें कौन सा काफ यूज़ होगा, ये वाला काफ, ठीक है। अब ब है, ब को उर्दू में बे कहते हैं, ये हो गया। तीनों को जोड़िए, बहुत जोड़ना बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये जो डंटा वाला पार्ट है ये सीधा वाला, ये उठा लेना है लाम का, तो ये हो गया आप लोगों का ल। और ये जो काफ है ये गोल वाला पार्ट उठा लेना है, तो इस तरह गोल वाला पार्ट उठा दिए, ऊपर दो ठो बिंदु देना ज़रूरी होता है नुक्ता, तो ये हो गया ल प्लस क जुड़ गया। अब ब जोड़ना है, तो ब यहीं पर जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका लकब। आगे बढ़िए समन। समन में जो सबसे पहला अक्षर है वो है स, ठीक है। तो स को उर्दू में कहते हैं सीन, तो देखिए ऐसे सीन लिखा जाता है। प्लस म है, म को उर्दू में कहते हैं मीम, तो ये हो गया आप लोगों का मीम। प्लस न को उर्दू में कहते हैं नून, ठीक है। अब ये तीनों जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे, देखिए सीन का ये तीन ठो कोनी वाला पार्ट है, बस इतना ही उठाना है, ये चांद वाला पार्ट हटा देना है, सिर्फ कोनी वाला पार्ट उठाना है, तो इस तरह उठा लिए, ये हो गया सीन से सौ। और प्लस इसी में मीम, मीम का ये बिंदु वाला पार्ट उठा लेना है, तो यहीं पर आप लोग का ये जो बिंदु है ये पार्ट उठ गया, बस इतना ही उठा देना है। तो देखिए यहाँ पर मीम जुड़ गया, तो सीन से सौ हो गया और मीम से म हो गया, और लास्ट में नून जोड़ देना है, नून तो पूरा का पूरा रहेगा, तो ये हो गया नून, ठीक है। तो स प्लस म प्लस न क्या हो गया, समन। आगे बढ़िए सफल। सफल में जो है ना सबसे पहला अक्षर स है, तो स को उर्दू में यही वाला सीन कहते हैं, तो ये हो गया आप लोगों का सीन। प्लस फ, फ को उर्दू में कहते हैं फे, तो यहाँ पर हो गया आप लोगों का देखिए फे। प्लस ल, ल को उर्दू में कहते हैं लाम। अब ये तीनों जुड़ेंगे कैसे, ये तीन ठो कोनी वाला ही पार्ट आप लोगों को उठाना है, ये चांद वाला पार्ट नहीं उठाना है, तो ये कोनी वाला पार्ट उठा दिए। फ का सिर्फ ये गोल वाला पार्ट उठाना है, तो ये गोल वाला पार्ट उठा लिए, ऊपर एक नुक्ता दे दिए, तो स प्लस फ जुड़ गया। अब लाम जोड़ना बाकी है, तो इसी में लाम जोड़ दीजिए, तो हो गया सीन से स, फे से फ, और लाम से ल, स प्लस फ प्लस ल सफल। तो इस तरह जो है हम लोग इतने सारे तीन अक्षर से मिलकर बने हिंदी के वर्ड को उर्दू में ट्रांसलेट किए। आप चाहे ना तो अपने से तीन अक्षरों से मिलकर हजारों वर्ड जो है, हजारों हिंदी के वर्ड आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, और उसको उर्दू में लिखकर आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अपने से तीन अक्षर से मिलकर बने हिंदी के वर्ड को खुद से क्रिएट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद से खुद से आप लोग उसको उर्दू में ट्रांसलेट यानी कि उर्दू में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, और लिखने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना ही ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोग के लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, उतना ही जल्दी आप लोग उर्दू सीखेंगे, ठीक। तो इतने सारे वर्ड को हम लोग उर्दू में ट्रांसलेट करना सीख लिए, पढ़ना सीख लिए,
कोई भी कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। और वैसे मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद से सबसे ज़्यादा आप लोग को शेयर करना है अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोग को बेल आइकन यानी कि घंटी दिखाई देगी, घंटी को दबाना मत भूलिएगा। घंटी को जब आप लोग दबाएंगे ना तो ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।